हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ड्राइविंग टेस्ट और पार्किंग टेस्ट के बारे में। अगर आप गल्फ कंट्री में कहीं भी, सऊदी अरब, कतर, ओमान, दुबई, अबू धाबी, यानी कि गल्फ कंट्री में अगर आप कहीं पर भी गाड़ी चलाने के लिए आ रहे हैं, ड्राइविंग लाइन में आप आ रहे हैं, चाहे वो कंपनी की वीज़ा हो या चाहे हाउस ड्राइवर की हो, किसी तरह की भी हो, ड्राइविंग लाइन की अगर वीज़ा है आपकी है और उसमें आप आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। बहुत ज़रूरी वीडियो है ये वीडियो। आपने अगर पूरा देख लिया तो आपको किसी से एक बात भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में जो ड्राइविंग टेस्ट लेने वाले जो इंस्पेक्टर हैं, जो ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं, जो टीचर हैं जो सिखाते हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं, और जो पार्किंग टेस्ट का ट्रेनिंग देते हैं, ड्राइविंग टेस्ट का ट्रेनिंग देते हैं, तो उनके द्वारा ये वीडियो बनाया गया है और उन्होंने एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी के साथ बताया है। तो अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे थोड़ा सा भी, तो आपको एक एक चीज़ बारीकी से सीखने के लिए मिलने वाली है इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ड्राइविंग लाइन में आ रहे हैं तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए, आपके पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो लंबा तो है, ये लंबा होने वाला है भाई, वीडियो लंबा होने वाला है थोड़ा सा ये, लेकिन ये वीडियो आपको एक नंबर वन ड्राइवर बना देगा गल्फ कंट्री का। नंबर वन ड्राइवर बन जाओगे आप गल्फ कंट्री के, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया और समझ लिया। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को तो पूरा देखना ही है आपको, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 90 डिग्री पार्किंग। आप देख सकते हैं ये पार्किंग होगी बिल्कुल सेम, इसी तरह कोन लगी होगी वहाँ पे सेम पार्किंग, और आपकी गाड़ी वो सामने खड़ी है, वहाँ से आपने रिवर्स में ला के इसको ऐसे पार्क करना। इसमें बहुत आसान है, एक सिंगल पॉइंट है, अगर आपने वो याद कर लिया तो आपकी पार्किंग कभी भी रॉन्ग नहीं होगी और आप इजीली पार्किंग टेस्ट पास कर सकते हैं। ये जो कोन है ना यहाँ पे, जो जहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी होगी, इस कॉर्नर में ये कोन लगी, सिर्फ आपने इसको याद रखना है। अगर आपने इसको याद रखा तो पार्किंग टेस्ट 2 मिनट का काम है ये 90 डिग्री। आप जब गाड़ी रिवर्स करेंगे, ये वाली कोन जब यहाँ पे आपको नज़र आएगी, गौर से देखें, यहाँ पे ये जो पार्ट है इसमें जब आपको नज़र आएगी, आपने गाड़ी को स्टॉप करना है, स्टॉप करके फुल राइट पे घुमाना है। फुल राइट पे घुमाएंगे आपकी गाड़ी सीधी घूम के उस पार्किंग में चलेगी। सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट। ये वाली कोन जब गाड़ी रिवर्स करेंगे, जब इस पार्ट ऑफ विंडो आ जाएगी, विंडो के इस पार्ट पे थोड़ी सी नज़र आए, थोड़ी सी, गाड़ी को स्टॉप करें, मेक श्योर स्टॉप करें, क्योंकि गाड़ी मूविंग में रखेंगे थोड़ी सी कोन आगे पीछे हो जाएगी आपकी पार्किंग की। फुल स्टेयरिंग राइट घुमाएं, आपकी गाड़ी घूम के सीधी इस पार्किंग के अंदर आ जाए। जब आपकी गाड़ी लाइन्स के बराबर आ जाए, जो साइड वाली लाइन्स हैं इनके बराबर आ जाए, गाड़ी आपकी सीधी हो जाए लाइन के साथ साथ, आपने गाड़ी को स्टॉप करना है। कहाँ पर स्टॉप करना है? जब ये कौन आपकी हेडलाइट को, जो फ्रंट लाइट है, उसके बराबर आ जाए आप स्टॉप करेंगे। या दूसरा तरीका ये है कि वहाँ EDC में रबर्स लगे होते हैं, एक ब्लैक रबर यहाँ पे लगा है, एक ब्लैक रबर यहाँ पे लगा है, और दरमियान में एक गैप है, तो वो जो गैप है वो आपके शोल्डर के बराबर आएगा, वो गैप और शोल्डर बराबर आएगा, आप गाड़ी को स्टॉप करेंगे। क्योंकि अगर गाड़ी आप स्टॉप नहीं करेंगे ज़्यादा पीछे चली जाएगी, पीछे टच हो जाएगी, फिर भी आपका पार्किंग टेस्ट पास नहीं होगा। अगर लाइन्स को टच करेगी, लाइन से बाहर होगी, तो फिर भी पार्किंग टेस्ट पास नहीं। अभी मैं गाड़ी में बैठ के इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। अब ये डोर इसलिए खुला छोड़ा है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि सीट कैसे एडजस्ट करनी है, मिरर कैसे एडजस्ट करने हैं, सीट बेल्ट कैसे लगानी है। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, फिर मैं डोर क्लोज करता हूँ। तो गाड़ी में जब आपने बैठना है, सबसे पहले आपने सीट एडजस्ट करनी है। सीट के 2 पार्ट्स हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। ये वाला पार्ट्स लेग्स के लिए, ठीक है, कि आपकी लेग बिल्कुल स्ट्रेट भी ना हो और बिल्कुल ऐसे भी ना हो, और आपकी लेग ही आगे टच नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा गैप रहना चाहिए। तो मेरी हाइट के मुताबिक ये पोजीशन, मेरी लेग आराम से इधर जाती है, ये पोजीशन मेरे लिए ठीक है। किसी की हाइट बहुत लंबी होती है तो आप यहाँ से सीट को डाउन कर सकते हैं, और किसी की हाइट छोटी है तो आप सीट को अप कर सकते हैं। अच्छा, ये पार्ट अभी ठीक है, अभी आपने इस पार्ट को चेक करना है। देखिए, ये एक छोटा सा हैंडल है, इससे आप इसको पीछे भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पर मैं ज़्यादा पीछे हूँ, तो आपने अपने हाथ स्टेयरिंग के ऊपर रखने, हाथों का जो ये पार्ट है ये स्टेयरिंग के टॉप पे आना चाहिए। अभी जब मैं यहाँ पे रखता हूँ ये वाला पार्ट स्टेयरिंग के टॉप पे, तो ये गैप आ रहा है, तो ये गैप नहीं होना चाहिए।
तो मैं थोड़ी सी सीट इस छोटे हैंडल से थोड़ी सी सीट आगे कर, ये मेरी सीट यहाँ पर थी। इसको आप याद कर सकते हैं SMS, सीट, मिरर्स और फिर सीट। अब सीट मेरी ठीक है यहाँ पे, फिर आपने मिरर्स एडजस्ट करने हैं। तो सबसे पहले ये मिरर एडजस्ट करें, कैसे करें? कुछ लोग ऐसे करते हैं कि दोनों हाथ से ऐसे करके एडजस्ट करते हैं, लेकिन जब आप वापस अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में आते हैं तो वो व्यू जो है वो क्लियर नहीं रहता है। तो एक हाथ से इसको पीछे से पकड़ के, यहाँ पे आपके प्रिंट्स नहीं लगने चाहिए, इसको ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे नहीं पकड़ना, यहाँ से एक हाथ से इसको एडजस्ट करें। फिर साइड मिरर्स आपने एडजस्ट करने हैं। पार्किंग टेस्ट में सबसे हेल्पफुल जो चीज़ आपके लिए, वो आपने साइड मिरर्स डाउन रखने हैं ताकि आपको लाइन्स नज़र आए। तो ये बटन है, ये बटन को लेफ्ट करेंगे तो यहाँ से साइड मिरर एडजस्ट होता है, ठीक है? ये अप डाउन, और ये इसको अगर बाहर करना है, थोड़ा अंदर करना है, तो मिरर एडजस्ट करने के लिए आपने देखना है ये जो मिरर का 20% पार्ट होता है ना, इसमें आपको गाड़ी के बॉडी का थोड़ा सा हिस्सा नज़र आना चाहिए। या दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हैं कि आपको बैक डोर का हैंडल थोड़ा सा नज़र आता है तो आपका मिरर ठीक है, बाकी मिरर बाहर होना चाहिए। और पार्किंग टेस्ट में मिरर आपने थोड़े से डाउन कर, इसी तरह ये बटन राइट करेंगे तो आप राइट वाला मिरर एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने अपने कंफर्टेबल पोजीशन के मुताबिक मिरर्स को थोड़ा डाउन रखा ताकि मुझे रोड नज़र आए, नीचे रोड नज़र आए, क्योंकि पार्किंग टेस्ट में आपको ऊपर कोई ट्रैफिक तो है नहीं कि आपने ट्रैफिक देखनी है तो आपको रोड नज़र आ। तीसरी चीज़ है सीट पर। तो ये सीट को ये देखें, यहाँ से पकड़ा, यहाँ से इसको कैंचे इस हाथ से पकड़ के, ये क्लिप है, इस क्लिप में। अभी जब आप गाड़ी रिवर्स करेंगे तो मेक श्योर करें कि गाड़ी को स्लो स्लो पीछे लाना है, और सिर्फ आपने ब्रेक यूज़ करनी है। जब गाड़ी रिवर्स कर रहे होते हैं और सरफेस स्मूथ है तो आपको एक्सेलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और गाड़ी को जितना आप स्लो लाएंगे इतना आपके लिए ईजी रहेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट है, वो अगर आपने मिस कर दिया तो आप पार्किंग नहीं करेंगे। बिल्कुल काम डाउन होकर, रिलैक्स होकर जितना स्लो लाएंगे इतना ईजी रहेगा। अब ये देखिए स्लोली स्लोली रिवर्स कर रहे हैं, उस कोन पर आपने नज़र रखनी है, वो कोन यहाँ पर आपको नज़र आना चाहिए। बेशक आप मिरर्स डाउन कर लें, विंडो डाउन कर लें, ठीक है, वो कौन मुझे पीछे नज़र आ रही है तो मैं बिल्कुल आराम आराम से, आराम आराम से वापस आ रहा हूँ। अब देखिए ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, इस जगह मैं विंडो को थोड़ा ऊपर करके, यहाँ पे नज़र आ रही है। जब इस जगह पे आपको नज़र आएगी, गाड़ी को स्टॉप करना है, मेक श्योर करना है, स्टॉप करना है और फुल राइट पर घुमाना है। ये फुल राइट पर घुमा दिया, अब दोनों साइड मेरे को देखते जाना है, आपकी गाड़ी पार्किंग में जितना आप स्लो आएंगे उतना आप गाड़ी भगा के लाएंगे तो डेफिनेटली चल। बैक वाली कोन है, बैक वाली कोन, वो ये साइड मिरर के सेंटर में नज़र आएगी, तो उसका मतलब आपकी गाड़ी स्ट्रेट है। या अगर आप देखें तो ये जो लाइंस हैं इसके बराबर गाड़ी आपकी स्ट्रेट है, तो फिर आप इस पर ये जो साइड लाइंस हैं, वाइट वाली लाइन है, इसके बराबर आपकी गाड़ी सीधी है, तो आपने गाड़ी को स्टॉप करना है और स्टेयरिंग स्ट्रेट करना है। कैसे स्ट्रेट करना है ये देखिए, ये एक चक्कर घुमाया और ये दूसरा घुमाया, ये टेक्निकली 1.5 होता है, लेकिन उसको हम बोलते हैं कि दो दफ़ा स्ट्रेट करना है। अब स्ट्रेट होगी आपकी गाड़ी, अब बिल्कुल आराम आराम से फिर इसको थोड़ा थोड़ा वापस आने। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने गाड़ी स्टॉप कहाँ पर कर दी, जब ये वाली कोन आपकी हेडलाइट के बराबर आ जाएगी गाड़ी को स्टॉप करें, क्योंकि आप ज़्यादा पीछे जाएंगे तो पीछे भी टच हो जाएगी, तो गाड़ी अगर लाइन से बाहर है या पीछे टच हो गई आपकी पार्किंग पास। और दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पे ब्लैक रबर्स लगे होते हैं, एक यहाँ पे रबर होता है, एक पीछे होता है, उसके बीच में गैप होता है, वो तो गैप आपके शोल्डर के जब बराबर आएगा आपने गाड़ी को स्टॉप। अभी देखिए ये कोन मेरी हेडलाइट के बराबर है तो यहाँ पे स्टॉप, तो जैसे ही गाड़ी स्टॉप हुई पहले आपने हैंड ब्रेक लगाना है और गियर को पार्किंग। आप देखते हैं जनाब
कैसे लगी? देखें, अगर फ्रंट पे भी देखेंगे तो ये पार्किंग लाइन है, ये वाली, इसके बिल्कुल अंदर आई है गाड़ी। ये साइड देख लें, पीछे से भी देख लें तो इनफ गैप है। तो यहाँ पे वो एक लॉक से पड़ा होता है, उसको टच नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अभी काफ़ी गैप है, इस साइड से भी गाड़ी अंदर है, बिल्कुल ठीक है। अभी मैं आपको गाड़ी बाहर निकालने का सोचा। स्ट्रेट बायर निकालनी है, इंडिकेटर राइट लगा लेना है। वो जो बायर वाली कौन है ना, वो बायर वाली, वो जब आपकी शोल्डर के बराबर आएगी तो फुल स्टेयरिंग आपने राइट करना है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।